हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिनर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने जा रही है, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक बिल्कुल भी स्किप किए बिना। तो यहाँ पर मैंने पैन गर्म कर लिया, तो अभी मैं उसमें मस्टर्ड ऑयल जो है वो गर्म कर रही हूँ। तो जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, सरसों का तेल, तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी भिंडी। तो भिंडी को हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। ऑयल तो उतना ही लिया है मैंने जितना कि सब्जी बनाने के लिए चाहिए होता है। तो बस पहले हम लोगों ने भिंडी को हल्का सा फ्राई कर देना है, ताकि भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी ना रहे। तो ये भिंडी बनाने जा रही हूँ मैं, भिंडी दो प्याज़ा। अभी मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला। गर्म मसाला जो है वो मैं साथ ही में ऐड कर देती हूँ। तो लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन, प्याज। तो प्याज क्योंकि है ही भिंडी दो प्याज़ा, तो इसमें अनियन तो चाहिए ही चाहिए। तो प्याज ऐड करके तो मैं हल्का सा उसको भून के तो इसको ढक दूंगी सब्जी को बनने के लिए। तो दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ दाल तड़का, येलो दाल तड़का। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करें। तो अभी मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया, अब इसको हल्का सा भूनूंगी और इसको ढक दूंगी। तो दूसरी तरफ मैं देख लूँगी दाल। तो देखिए दाल अपनी बनके तैयार है। तो अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। तो दूसरी तरफ मैं साथ साथ भिंडी भी चेक कर रही हूँ कि भिंडी बन गई है। अभी इसमें थोड़ा सा मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करके फिर इसको हल्का सा भून के इसको ढक दूंगी। ये मुश्किल से 10 मिनट लग गए मुझे, ये भिंडी बनके तैयार थी और भिंडी बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप भी अपने घरों में बनाना और मुझे ज़रूर ज़रूर बताना ये स्पेशल पंजाबी खाना आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके बताना। तो उधर मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैं देसी घी डाल दूँगी और थोड़ा सा जीरा मैंने डाल दिया है। तो जैसे ही जीरा थोड़ा सा भुन जाता है तो मैं उसमें प्याज ऐड कर दूंगी, और प्याज हल्के से भूनते ही गुलाबीपन जैसे प्याज में आ जाएगा, तो मैं उसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसमें अमचूर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आपका मन है आप अमचूर ऐड कर सकते हो, अगर नहीं मन है तो नहीं करो। और प्याज गुलाबी हो गया तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। भिंडी को जो है अभी थोड़ी देर हम लोग खुले में ही पकाएंगे, मैंने ढक्कन हटा दिया। तो ये बहुत ही अच्छी कुरकुरी भिंडी बनके अपनी तैयार है, और इधर मसाला भी तैयार हो गया दाल का। तो अब मैं इसमें जो दाल उबाल के रखी हुई है तो वो मैं पलट दूंगी। मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये तो बेसिक मसाले हैं, ये तो हर मसाले में पड़ते ही हैं। तो बस वही मैंने इस मसाले में ऐड कर दिया, और मैं इसमें अब दाल पलट दूंगी। सच में ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है, येलो दाल तड़का। तो आप लोग भी ट्राई करना अपने घरों में। तो दाल अपनी बनके तैयार है, अब जल्दी जल्दी से मैं रोटियां सेक लूंगी एक तरफ। तो जी आप देख सकते हो थाली अपनी तैयार है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। भिंडी दो प्याज़ा बहुत ही टेस्टी बनी थी, येलो दाल तड़का, साथ में खीरा और प्याज काट लिया था सैलड। अरे मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या मैंने बना के रखा है, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो आपने जब अपने घर में बनाया तो आपको कैसा लगा? अभी मैं सीधा आपको दिखाऊंगी डिनर होने के बाद जब मैंने किचन क्लीन करी। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, अभी आप लोग उन्होंने बोला कि मैम आप किचन नहीं दिखाते, तो देख लीजिए किचन। डिनर होने के बाद मैंने सारे बर्तन कर लिए, और ये सब्जी आई रखी थी, सैलड था, सब्जी क्या थी, तो वो मैंने धो के रख दिया। बर्तन वर्तन सब हो गए, किचन बिल्कुल क्लीन हो गई। तो इस समय टाइम था 9 बजे थे, वो मैं बाहर आपको दिखा रही थी कि रात है। तो बस ये थोड़ा सा जो सामान था बचा था, बेटे ने अभी खाना नहीं खाया था, तो दाल वगैरह गर्म थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बाद में रख लेंगे।